हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज डेटा फैक्ट्री के प्लेज में 27 वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सिस्टम फंक्शन या प्री डिफाइंड क्या होते हैं, अजूर डेटा फ्रेम कितने होते हैं और कितने कैटेगरी में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डिवाइड कर रखा है। एक क्विक छोटा सा एक डेमो हम करेंगे कैसे इसका यूज करते हैं सिस्टम फंक्शन को अपने पाइपलाइन पर। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिस्टम फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो होता है इजिली इसका यूज हम क्या करते हैं कि कोई भी जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें उसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है अभी करें मतलब कि डिफाइन करता है 6 कैटेगरी में उसने माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डिवाइड कर रखा है। करंट टाइम जैसे गेट फंक्शन डिवाइड कर रखा है, दूसरा इसने कैटेगरी बनाया है स्ट्रीम फंक्शन बना रखा है, तीसरा मैथ फंक्शन है, चौथा कलेक्शन फंक्शन है, चौथा कन्वर्जन है, पाँचवा जो आपका लॉजिकल फंक्शन है। चलिए वन बाई वन हम देखते हैं कौन सा क्विकली हम देखते हैं कौन कौन से फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट जो है प्रोवाइड करता है इसमें। चलिए नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। जैसे डेट फंक्शन, तो माइक्रोसॉफ्ट डेट फंक्शन इसने अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं 20 टाइप के फंक्शन इसने अप्रोक्सीमेट 20 टाइप के फंक्शन इसने सपोर्ट कर रहा है अभी प्रोवाइड कर रखा है। जैसे UTC हो गया, आप करंट टाइम इस टाइम आप UTC करंट टाइम इस टाइम आपको रिटर्न करेगा, एड डेट कर सकते हैं या किसी भी टाइम में आप डेट को ऐड कर सकते हैं। जैसे आज उसमें 5 ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, आवर मिनट कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें, इतने टाइप से इतने फंक्शन सपोर्ट करता है। अभी हम इसका एक कोई क्विकली डेमो करेंगे, हम किसी एक फंक्शन की यूज करके डेमो करेंगे हम। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं आपका मतलब कि स्ट्रिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग फंक्शन देखिए इतने फंक्शन सपोर्ट करता है, जैसे आपका स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कंबाइन करना दो स्ट्रिंग को आपस में वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मतलब कि यहाँ पर दे रखा है अपर, कोई भी स्ट्रिंग को अपर कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, लोअर फॉर्म कर सकते हैं, फिर आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रिंग को। तो ये सब आप इतने दे रखा है इतने टाइप के स्ट्रिंग फंक्शन को। फिर आपका मैथ फंक्शन है, एड हो गया, डिवीजन हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, ये सब आप मतलब कि कहते हैं मैथ फंक्शन होते हैं, ये सब ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर कन्वर्जन फंक्शन होता है। कन्वर्जन फंक्शन में क्या होता है, जैसे आप स्ट्रिंग है डेटा आपका स्ट्रिंग में डेटा है तो उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बुलियन में कर सकते हैं, या आपका जेसन से आरए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के कन्वर्जन टाइप फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। इसको भी मांगे देखेंगे, क्विकली देखेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, फिर कलेक्शन फंक्शन हो गया। कलेक्शन मतलब जैसे आपका लिस्ट हो गया, लिस्ट में लिस्ट मतलब जेसन जैसे सपोर्ट कर रहा है, लिस्ट है आपका, लिस्ट में आपको देखना है कि हमें मतलब कि क्या क्या मतलब कि स्पेसिफाई आपको फाइंड करना क्या क्या कंटेंट है, कंटेंट देख सकते हैं। लिस्ट आपकी इम्पटी है अभी चेक कर सकते हैं, फर्स्ट आइटम आपको गेट करना है, आपको लास्ट आइटम गेट करना है, लिस्ट का लेंथ कितना टोटल कितना है, किसको स्किप करना है, किसको टेक करना है, तो ये सब चीज़ें आप मतलब कि कलेक्शन फंक्शन में आता है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको लॉजिकल फंक्शन में आता है। लॉजिकल फंक्शन जब जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, जैसे एंड हो गया, ये आपका इफ कंडीशन में यूज करने के लिए होता है। ठीक है, कहीं भी कंडीशनल है वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली इफ, कहीं भी कंडीशनल जहाँ पर आपको यूज़ करना है वहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे एंड हो गया, इक्वल हो गया, ग्रेटर हो गया, ठीक है, लेस हो गया और नॉट हो गया, ठीक है, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में होता है। चलिए हम इसके बारे में हम देखते हैं कि मतलब ये 6 टाइप जो फंक्शन होते हैं वो कहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपका है मेरा डेटा फैक्ट्री है। ठीक है, एक मैं एक पाइपलाइन क्विकली पाइपलाइन क्रिएट करता हूँ, मैं इसका नाम कुछ भी देता हूँ सिस्टम फंक्शन दे दिया, नाम इसका दे दिया मैंने, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ मैं, जैसे दे दिया टुडे डेट। ठीक है, मैंने दे दिया मैंने इसे, और या तो दे दिया मैंने स्ट्रिंग कॉन्कर दे दिया, या अपर केस अपर स्ट्रिंग दे दिया। दो फंक्शन मैं यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने दो दिया फिर स्ट्रिंग दे दिया मैंने, फिर यहाँ पर मैं इसको जो होता हूँ सेट वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, पहला दे दिया एसवी करंट डेट, करंट डेट करेंगे, अब यहाँ पर जाएंगे वेरिएबल सेलेक्ट किया टुडे डेट, फिर आपको यहाँ पर जाएंगे देखिए हमने दिया, जब आप एक डायनेमिक कंटेंट करेंगे यहाँ पर अल्ट शिफ्ट कंट्रोल डी या तो इस पर क्लिक करिए, ये आपका आप देखिए यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन आ गया है, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हमें प्रोवाइड करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जाएंगे, यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, हमने 5-6 टाइप बताया मैंने आपको, देखिए कलेक्शन हो गया, कन्वर्जन हो गया, डेट हो गया, लॉजिकल, मैथ, ये सब इतनी टाइप के फंक्शन सपोर्ट करता है। जैसे मैं अभी करंट डेट हमें यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा करंट डेट पर जाऊँगा। ठीक है,
ठीक है, हमें UTC नाउ जैसे कह रहे थे इस द करेंट टाइम स्टैम्प, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, देखिए ये आ गया UTC नाउ आ गया। ठीक है, तो ये आपका मतलब क्या करेगा, स्ट्रीम फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, कोई फॉर्मेट दे सकते हैं अदरवाइज कोई से रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, दूसरा है, दूसरा मैं यूज़ करता हूँ मैं अपर केस मतलब करने के लिए, मैंने बोल दिया SV अपर स्ट्रीम। ठीक है, मैं इसमें जाऊँगा, मैं इसमें इसमें कुछ नहीं करना है, सेटिंग में जाएंगे, इसमें दूसरा वेरिएबल हम यूज़ करते हैं अपर स्ट्रीम, या में जाएंगे एलेक्सन, फिर आप फंक्शन में जाएंगे, फंक्शन में इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको और कम कर सकते हैं, नहीं होगा हम, ठीक है, ये सब नहीं करता। फिर हमें क्या करना, देखिए जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, अभी फंक्शन लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे स्ट्रीम में देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए मुझे अभी अपर करना है, तो यहाँ पर हम यहाँ भी कर सकते हैं, या तो यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से अपर कर लेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया, अपर आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है एक पैरामीटर लेगा आपका, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर पैरामीटर प्रोवाइड करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग देना है, तो स्ट्रिंग में दे देता हूँ, कुछ भी इस मान देता हूँ, माई नेम इज माई नेम इज BP क्लाउड लर्निंग। मैंने देखिए स्मार्ट दिया है, अभी देखिए ऑटोमेटिक अभी अपर में जाएगा इस फंक्शन को, ऐसे ही आप मतलब कोई भी फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, देखिए जितनी भी आएंगे सभी फंक्शन यहाँ पर, जैसे कन्वर्जन के आप टू इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर कन्वर्जन जो भी आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट है आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैंने ओके किया, ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे देखिए हमारा सक्सेसफुली हो गया, पहले में हमारा पहले में देखिए दो वेरिएबल है, पहला हमारा क्या है टाइम स्टैम्प आएगा, देखिए देखिए करंट टाइम आ गया हमारा, टाइम देखिए यहाँ पर UTC टाइम है, करंट टाइम UTC में आ गया, टुडे डेट है। ठीक है, दूसरा एक हमने मतलब कुछ अभी स्मार्ट में दिया था, अब देखिए पूरा देखिए चैप्टर आ गया। ठीक है, ये आपका हमारा है डेमो है कैसे हमें यूज करना है सिस्टम पर। ओके, मैं 6 रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।